तो मूवी की शुरुआत होती है एक अच्छे खासे गैंगस्टर डोंग से, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी सिवाय एक प्यार करने वाली बीवी के। उसकी बीवी युन डोंग से उतना ही प्यार करती थी जितना आप सब्सक्राइब बटन से करते हो। खैर डोंग भी युन को ज्यादा घास नहीं डालता था, क्योंकि उसने भी बस युन के फादर मिस्टर हान के पैसों को देखकर उससे शादी की थी। अब डोंग अपने ऑफिस पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसके अगले प्रोजेक्ट के बीच में एक जिद्दी कारपेंटर की दुकान आ रही है। इसलिए उसने अपने राइट हैंड मिस्टर बैंक को आदेश दिया कि तुम उस कारपेंटर की शॉप में जाकर कैसे भी इस मैटर को हैंडल करो। ये सुनकर बैंग अपने आदमी लेकर इस कारपेंटर किम के पास पहुंचा, जहां सीधी उंगली से घी ना निकलने पर उसने इस कटर को टेढ़ा कर दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी किम को उन पेपर्स पर अपना अंगूठा लगाना ही पड़ा। यहाँ डोंग जब टेबल चमका रहा था, तभी वहां उसका एक व्यापारी दुश्मन यांग उससे मिलने पहुंचा, जहां हमें पता चला कि यांग डोंग से आगे बढ़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अगले दिन डोंग अपने एक फेवरेट रेस्टोरेंट में मैगी खाने पहुंचा, जहां एक स्कूल स्टूडेंट जीहून भी दबा के मैगी पेल रहा था। अब जब जीहून बिल पे करने लगा, तब उसे याद आया कि वो तो अपना वॉलेट गोल्ड डिगर लड़कियों की तरह घर पर ही भूल आया है, जिसके लिए वो उस रेस्टोरेंट की ओनर से माफी मांगने लगा। तब वो ओनर बोली कि अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा बिल ये अंकल डोंग भर देंगे। अब डोंग को भी लगा कि इज्जत का सवाल है भाई, तो उसने जीहून के पैसे भर दिए, जबकि जीहून ने वहां 4 कटोरे मैगी खाई थी, वह मैदा के सौदागर। खैर तभी उस ओनर ने डोंग को प्रॉमिस किया कि तुम्हारी इस दरिया दिल्ली पर मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगी। अब जब डोंग यहाँ से निकला, तो वह इस कूड़े वाली गाड़ी के चक्कर में बीच में ही फंस गया, जहाँ उसके ठीक ऊपर जीहून भी इस तार से एक जूता निकालने की कोशिश कर रहा था। पर ये ऐसा क्यों कर रहा है वो हमें आगे पता चलेगा। अब शरीर में इतना भारी होने की वजह से जीहून का बैलेंस बिगड़ा और फिर वो नीचे सीधा डोंग के ऊपर जा गिरा। अब जब डोंग की आंख खुली, तो उसने देखा कि वो तो हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है। तभी एक नर्स ने आकर उससे पूछा कि बेटा तुम ठीक हो? बेटा? डोंग सोचने लगा कि आखिर एक 40 साल के बुड्ढे को ये बेटा क्यों कह रही है। इसलिए वो खड़े होकर थोड़ा आगे आया, जहाँ इतने में वो कारपेंटर किम भी पहुंच गया, जो डोंग से बोला कि मेरे बेटे, मेरे लाल, तुम ठीक हो? ये सब सोचकर उसका दिमाग घूमने लगा, और जैसे ही वो शीशे के सामने आया तो देखा कि वो तो जीहून की बॉडी में आ चुका है। डोंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब डॉक्टर ने किम से कहा कि अभी इसके सर पर ताजा ताजा चोट लगी है, इसलिए कुछ दिन तक अजीब भर्तावी करेगा। तभी डोंग को याद आया कि उस रेस्टोरेंट की ओनर ने उसे गिफ्ट के बारे में कहा था, इसलिए वो जल्दी से उस ओनर से मिलने भागा। लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि वो रेस्टोरेंट तो बंद हो चुका है, साथ ही उस ओनर का भी कुछ अता पता नहीं था। दूसरी तरफ डोंग के दुश्मन यांग को पता चला कि डोंग अब कोमा में जा चुका है, जिसे सुनकर वो एकदम से सातवें आसमान पर पहुंच गया। यहाँ जीहून के शरीर वाला डोंग अपने घर पहुंचा, जहां उसकी बीवी युन उसे देखते ही चिल्लाने लगी कि ये कौन घुसपैठिया मेरे घर में आ गया है। डोंग युन को सब समझाता, लेकिन तब तक सिक्योरिटी गार्ड्स डोंग को यहाँ से पुलिस स्टेशन में ले गए, जहां जीहून के फादर किम ने आकर पुलिस को समझाया कि इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से थोड़ा दिमाग से पैदल हो गया है। अब ये सुनकर पुलिस ने डोंग को छोड़ दिया। यहाँ से दोबारा डोंग हॉस्पिटल में पहुंचा और अपनी बॉडी पर उछल कूद मचाने लगा कि कैसे भी करके वो वापस अपनी बॉडी में घुस जाए। लेकिन तभी यहाँ बैंग आ गया, जिसने डोंग को जीहून समझकर वहां से भगा दिया। डोंग ने उसे भी समझाने की कोशिश की, लेकिन तब भी बैंग पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब यहाँ से डोंग जीहून के पापा किम के साथ उनके ही घर आ गया, जहाँ किम ने उसकी जान बचने की खुशी में बहुत सारा माल पानी बना कर रखा था। इतना सारा खाना पानी देखकर डोंग बोला कि मैं इंसान हूँ, कोई हब्सी नहीं जो इतना सारा खाऊंगा। तब किम ने उससे पूछा कि मतलब तुम इतने दिन से हब्सी थे? खैर डोंग ने जैसे ही खाना शुरू किया, तभी वो अचानक से बेहोश हो गया, और जब उसकी आँख खुली तो वो सारा माल पानी अकेले ही निपटा चुका था। अब अगले दिन किम अपने बेटे को लेके स्कूल पहुंचा, जहां पहुंचते ही डोंग पुष्पा की तरह बैठ गया।
तब किम ने प्रिंसिपल से बुली करने वाले स्टूडेंट्स की कंप्लेंट करी, लेकिन प्रिंसिपल बोला कि इस स्कूल में कोई किसी को बुली नहीं करता। डोंग समझ रहा था कि जरूर ये लोग जीहून को परेशान करते होंगे। तभी वो बेचारा बिल्डिंग की बाउंड्री पर खड़ा था। अब जब वो क्लासरूम में पहुंचा तो देखा कि लड़कों का एक ग्रुप उसे अपने मिडिल फिंगर से स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, जिसके बाद वो कैंटीन में लंच करने पहुंचा, जहां कुछ स्टूडेंट्स इस उसागी नाम की लड़की को बुली कर रहे थे। इन्होंने उसके चावल में थोड़ी फैंटा मिलाई और फैंटा चावल उसके ड्रेस पर ही फेंक दिए। ये देखकर डोंग उन स्टूडेंट्स को दूर से ही रोकने लगा। तभी उस गैंग का लीडर ताइवुक डोंग से भिड़ने आ गया। अब जब तक डोंग उसका मोर बनाता कि इतने में वहां एक टीचर भी पहुंच गया, जिसके डर की वजह से सारा मामला यहीं शांत हो गया। अब स्कूल के बाद वो लड़के फिर से डोंग को रोककर परेशान करने लगे, लेकिन तभी उसने उन हरामी स्टूडेंट्स के गालों पर अपनी रसीद काट दी। उसी दिन वो लड़के फिर से स्कूल में एक दूसरे लड़के को भी परेशान करने लगे। तभी वहां अंदर से डोंग निकला, जिसने उस बेचारे लड़के की मदद करी, साथ ही उन लड़कों से ताइवुक का फोन भी एक दिन के लिए ले लिया। अब स्कूल खत्म होते ही डोंग अपने घर पहुंचा, जहां उसने फोन में वो वीडियो देखी जिसमें ये स्टूडेंट्स जीहून को परेशान कर रहे थे, और तभी वो बेचारा छत से डोंग पर गिर गया। अगले दिन ताइवुक बाकी लड़कों पर गुस्सा करने लगा कि क्यों उन्होंने उसका फोन जीहून को दे दिया। तभी वहां डोंग पहुंचा, जिसने फोन वापस देते हुए कहा कि आज के बाद कभी किसी को परेशान मत करना, वरना तुम्हारी वो बुली करते हुए वीडियो मैं पुलिस को दे दूंगा। ये सुनकर ताइवुक के पास कोई और चारा नहीं बचा, इसलिए उसने चुपचाप डोंग की बात मान ली। यहाँ डोंग की बीवी युन अपने पति के कोमा में होने वाले दुख को एक दूसरे आदमी के साथ कम करने लगी, लेकिन तभी वहाँ यांग आ गया, जो युन को उसके कारनामों की वजह से ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि उसने युन की एक गैर आदमी के साथ फोटोज ले ली थी। यहाँ उसी रात डोंग वापस हॉस्पिटल पहुंचा और अपने राइट हैंड बैंग से बात करने लगा। उसने बैंग को सब कुछ बताना शुरू किया, जिससे कि बैंग को विश्वास हो गया कि ये मोटा लड़का ही उसका बॉस डोंग है। अगले दिन डोंग स्कूल में एक उसागी नाम की लड़की से टकरा गया, और तभी उसके पास से ये सॉफ्ट टॉय भी गिर गया। डोंग ने उसका पीछा करते हुए उसागी का वो सॉफ्ट टॉय उसे वापस दे दिया, जहां उसागी की माँ मेसुन भी आ गई। उसे देखते ही डोंग थोड़ा शॉक हुआ, क्योंकि मेसुन उसका पहला प्यार थी, जिसको युन के पैसों के चक्कर में डोंग ने छोड़ दिया था। उसने मेसुन को उसके नाम से बुलाया, जिसे सुनकर मेसुन भी थोड़ा शॉक हो गई। उसे देखते ही डोंग अपनी पुरानी यादों में खो गया, जहां वो अपनी जवानी के दिनों में मेसुन के साथ दवा के समय बिताया करता था। अगले दिन डोंग ने उसागी के कुछ बाल तोड़ लिए, क्योंकि उसे उसागी के बालों का डीएनए करना था। अब जब डीएनए का रिजल्ट आया तो पता चला कि असल में उसागी डोंग की ही बेटी है। ये पता चलते ही डोंग मुंह मीठा करने मेसुन के पास पहुंचा, जहां वो मेसुन से उसकी लाइफ के बारे में बात करने लगा। वो बोली कि मैंने अकेले दम पर ही उसागी को बड़ा किया है, क्योंकि उसके फादर तो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं थे। ये सुनकर डोंग को काफी बुरा लगा कि उसकी एक गलती की वजह से उसके प्यार को इतना कुछ सहना पड़ा। दूसरी तरफ उसकी बीवी युन अपने पापा हान को नकली रिपोर्ट दिखाकर बताने लगी कि डोंग उनकी कंपनी के पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। असल में वो ये सब यांग के कहने पर कर रही थी। यहाँ डोंग एक जिम में अपना वेट लॉस करने पहुंचा, साथ ही उस जिम में वो अपनी बेटी के पास भी रह सकता था, क्योंकि उसागी उसी जिम में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही थी। लेकिन डोंग को देखकर वो वहां से जाने लगी। तभी इतने में बैंग वहां ट्रेनर बनकर आ गया और बोला कि उसे डोंग के साथ ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब एक साथ ट्रेनिंग करने की वजह से दोनों बाप बेटी काफी क्लोज आने लगे। धीरे धीरे डोंग ने भी अपना वेट बहुत कम कर लिया और एकदम चिकनी चमेली बनकर स्कूल में पहुंच गया, जहां इस आइटम को देखते ही सारी लड़कियां बावली खेल गईं। और चलो लड़कियों का फिर भी ठीक है, लेकिन ये लड़के जो चौंक रहे हैं भाई। खैर, अब उसी दिन लंच ब्रेक के टाइम वो लड़कियां फिर से उसागी को परेशान करने लगी, लेकिन इस बार उसागी ने उन लड़कियों की चुटिया पकड़कर अच्छे से उन्हें प्रसाद दे दिया। अब डोंग फिर से मेसुन के रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां बातें करते हुए मेसुन उससे बोली कि उसने जिससे प्यार किया उसे तो मर जाना चाहिए। ये सुनकर डोंग की किडनी गरबा खेल गई,
अब उसी वक्त एक हरामी कस्टमर मीसुन को परेशान करने लगा, जिसे देखकर डोंग ने मीसुन को अंदर भेजा और फिर उस कस्टमर की धनिया चटनी बना दी। तभी मीसुन वहां आकर उसे रोकने लगी और बोली कि आखिर तुम कौन हो। तब डोंग ने उसे सब कुछ बता दिया कि वो वही डोंग है जो अब जीहून की बॉडी में घुस चुका है। शुरू में मीसुन को इस बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब डोंग ने उसे बताया कि तुम्हारी बॉडी पर यहाँ यहाँ तिल हैं, अब ये जानकर मीसुन को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। पर तब भी उसने डोंग से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अगले दिन स्कूल में एक लड़के मिन्हो ने उसागी को अपने जन्मदिन का निमंत्रण दिया। उसागी को आज तक किसी ने अपने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया था, इसलिए वो पार्टी में जाने के लिए मान गई। तभी डोंग ने भी मीसुन को एक आखिरी बार मिलने के लिए मैसेज किया। अब ये दोनों शांति से बात करने एक रेस्टोरेंट में आए, जहां मीसुन उससे बोली कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। ये कहकर वो जाने लगी, लेकिन तभी डोंग ने उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में थोड़ा पानी पिला दिया। पानी पीते ही मीसुन इतनी इम्प्रेस हुई कि उसने डोंग में एक चाटा ही सूद दिया, लेकिन तब भी उसने मीसुन का पीछा नहीं छोड़ा। अब बाहर जब वो सिचुएशन संभालने लगा, तभी उसे उसके दोस्त की कॉल आई, जिसने बताया कि कुछ लड़के उसागी को पार्टी में परेशान करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सुनकर डोंग जल्दी से उसागी के पास भागा। यहाँ पार्टी में मिन्हो उसागी को दारू पीने के लिए फोर्स करने लगा, लेकिन उसागी दारू नहीं पीती थी, इसलिए मिन्हो ने उसे दारू से ही नहला दिया। तभी वहाँ डोंग पहुंचा, जिसने गुस्से में उन सब लड़कों की बढ़िया तरीके से कुटाई कर दी। उसागी ने भी थोड़ा सपोर्ट मिलते ही मिन्हो के घुंघरू तोड़ दिए, जिसके बाद ये दोनों बाप बेटी यहाँ से चलते बने। उसी शाम बैंग ने डोंग को बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कंपनी से हटाने की कोशिश में लगी हुई है। ये सुनकर डोंग ने मिस्टर हान के लिए एक लेटर लिखा, जो कि बैंग को डिलीवर करना था। अगले दिन डोंग जब गली में घूम रहा था, तभी एक लड़की ने आकर उससे डेट के लिए पूछा। ये सुनकर वो बोला कि मैं स्कूल की लड़कियों को डेट पर नहीं ले जाता। तभी वहाँ उसागी पहुँच गई और उसने भी डोंग से डेट के लिए पूछा। तब वो सोचने लगा कि भला मैं अपनी ही बेटी को कैसे डेट कर सकता हूँ, इसलिए उसने उसागी को साफ मना कर दिया। अब घर पर मीसुन को भी इस बात का पता चल गया कि उसकी बेटी अपने ही पापा को डेट करना चाहती है, जिसके बाद उसने उसागी को डोंग से दूर रहने के लिए कहा। यहाँ यांग भी हॉस्पिटल में डोंग को मारने पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो कुछ करता, इतने में ही डोंग की बॉडी कोमा से उठ गई, जिससे डरकर यांग वहीं बेहोश हो गया। कोमा से उठने के बाद जीहून ने खुद को एक अलग बॉडी में पाया, इसलिए वो यहाँ से अपने पापा के पास पहुँचा। किम को लगा कि ये कोई गंजेड़ी गलती से उसके घर में आ गया है, इसलिए वो पुलिस को बुलाने जाने लगा, लेकिन तभी वहाँ डोंग भी पहुँच गया, जिसने किम को सब कुछ हिंदी में समझा दिया। अब उसने जीहून से कहा कि हमें मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, इसलिए ये दोनों सीधे मीसुन के रेस्टोरेंट में पहुंच गए, जहां इन दोनों ने ऐसे नाटक किया कि जैसे इनकी बॉडी वापस ठीक हो चुकी है। तभी जीहून डोंग बनते हुए मीसुन से माफी मांगने लगा, लेकिन इतने में ही फिर से यहाँ यांग अपने चेलों को लेके पहुंच गया। जीहून इतने गुंडों को देखते ही रोने लगा। तब डोंग ने इन दोनों को अंदर बेचकर खुद यांग के चेलों से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन इस बार वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। तभी अंदर से मीसुन अपनी गैस का सिलेंडर लेके आ गई और बोली कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो ये सिलेंडर यहीं फटेगा। फटेगा सुनकर यांग और उसकी पलटन की भी फट गई, इसलिए वो सारे यहाँ से भाग निकले। अब इस सबके बाद मीसुन समझ गई कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे के शरीर में है। तब भी उसने जीहून को ही डोंग समझते हुए अपने मन की बात कह डाली और फिर इन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। यहाँ मिस्टर हान को डोंग के उस लेटर से पता चला कि उनकी बेटी तो डोंग के बारे में सब झूठ बोल रही थी, ताकि उसके अफेयर के बारे में मिस्टर हान को पता ना चल पाए। अब ये पता चलते ही हान ने यून को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और सीधे डोंग से मिलने की मांग रखी। अब डोंग खुद तो आ नहीं सकता था, इसलिए उसने जीहून को ही डोंग बनाकर भेज दिया, लेकिन वो खुद जीहून से माइक्रोचिप के जरिए कनेक्टेड था। अब उस चिप ने कुछ देर तक तो सही काम किया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो चिप 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 करने लगी, जिससे कि इनके बीच का कनेक्शन टूट गया। तभी हान ने डोंग से उसके दूसरे परिवार के बारे में पूछा। अब ये जवाब जीहून को खुद से देना था। तभी वो बोला कि हॉस्पिटल से घर आने के बाद
मैं समझ गया हूँ कि पैसों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली है, इसलिए मैं खुद को ही इस कंपनी से हटाता हूँ। हान ने उसकी बात की पूरी इज्जत रखते हुए उसे कुछ नहीं कहा। अब जब जीहून डोंग के पास पहुँचा, तब डोंग ने उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि शायद वो खुद कभी इस कंपनी की जगह अपनी फैमिली को नहीं चुन पाता। लेकिन तभी यून ने अपनी कार से उन दोनों को एक्सीडेंट कर दिया, जिसके बाद डोंग को हॉस्पिटल में लाया गया, जहां उसका ऑपरेशन उसी रेस्टोरेंट वाली ओनर ने किया। वो बोली कि तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मतलब तुम्हारी फैमिली मिल गई है, इसलिए अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे शरीर में भेज रही हूँ। यहाँ से कहानी 6 महीने आगे आई, जहाँ जीहून की सेटिंग उसागी से हो गई और डोंग ने भी मीसुन के लिए एक अच्छा रेस्टोरेंट खुलवा दिया, जहाँ किम, बैंग और वो खुद मीसुन के साथ ही काम करने लगा। अब दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ी मोटिवेशन दे देना। साथ ही कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।